सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 10th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20। वर्ग शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जो शीर्ष पर खड़ा हो और HV पर अपनी भुजा के समानांतर क्षितिज धरातल पर है। भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये कह रहा है कि एक वर्ग बना हुआ है और अपने शीर्ष मीन्स आपका जो ये जैसे ये सिरा है तो इस पे वो खड़ा है। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से ऐसे खड़ा है शीर्ष पे, इसका शीर्ष अगर हम मानते ऐसे खड़ा है शीर्ष पे और जो इसकी रेखा है वो समानांतर इस तरह से नीचे लगी हुई है। हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम एक रेखा ले लेते हैं XY। एक रेखा लेंगे ये हमारी लाइन आ जाएगी X और Y। अब हमने क्या करना है, इसके बिल्कुल समानांतर है नीचे और भुजा इसकी है 3 सेंटीमीटर, तो हमने इसका सेंटर लेना है रेखा का। जैसे लगभग ये मेरे पास 11 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगाई है तो इसका आधा होता है 5.5, कहीं से भी ले लो आप। जैसे मैं यहाँ से 6 से ही लेता हूँ 3 सेंटीमीटर, तो 1.5 में इधर ले लेता हूँ, 1.5 सेंटीमीटर में इधर लेता हूँ, तो ये मेरा आ गया इतना जो है ये मेरा है 3 सेंटीमीटर। मैं इसको देख लेता हूँ, ये मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर नीचे को डॉटेड लाइन पहले मुझे लगानी है। मैंने आपको पहले ही बताया था मैं 1 सेंटीमीटर ही रखता हूँ यहाँ पे, ये मैं लगा दी और मैं इसको नाप लेता हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। ये हमारा जो वर्ग है उसकी एक भुजा है। अब आपको यदि वर्ग की डेफिनेशन से याद है लर्न है तो आप समझते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो वर्ग शुंडाकार है तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, उसके लिए हमारे पास एक सेट स्क्वायर है और मैं सेट स्क्वायर के सहायता से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर भुजा लूंगा 90 डिग्री के कोण पे। ये आप देख सकते हैं मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया है। अब मैं यहां से इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा, ऐसे को ले लेता हूं यहां से, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सेट स्क्वायर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग बताऊं, नहीं तो ये हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में वैसे ही पड़े रहते हैं, हम इनका यूज ही नहीं करते हैं। ये है और मैं इसको 3 सेंटीमीटर तक काट देता हूँ, तभी मैं मैक्सिमम सेट स्क्वायर का यूज करता हूँ। और आप यदि देखना चाहो तो ये देखिए यहाँ पे पूरा पूरा 3 सेंटीमीटर है। मैं इसको एक बार दोबारा से यहाँ 3 सेंटीमीटर देख लेता हूँ, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा इसमें फर्क था, तो ये मेरा डाउट क्लियर हो गया है। यहाँ पे ठीक है। तो अब मैं इसको ये देखिए 3 सेंटीमीटर है और मैं इसको मिला लेता हूँ, ये मेरा वर्ग बन गया है बराबर। देखिए डी से अगर आप नापते तो आपको समय ज़्यादा लगता, इससे समय कम लगा, मेरा समय भी बच गया और जल्दी से मेरा प्रश्न हल हो जाएगा। मैं इसके नाम दे देता हूँ, ये आपका ए, आपका बी, ये आपका सी, ये पॉइंट आपका डी। हमने क्या करना है, ये शुंडाकार है और अपने शीर्ष पर खड़ा है तो हमने इसके कर्ण मिला देने हैं डॉटेड, इस तरह से डॉटेड कर्ण मिला देंगे इसके। कर्ण की आपने परिभाषा पढ़नी है, ये पॉलीगॉन जो आपके है वहां पे है। कर्ण की परिभाषा होती है एक कोण से दूसरे कोण को छोड़, जैसे यहां से रेखा चल रही तो एक कोण से दूसरे कोण को छोड़ तीसरे कोण को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। देखो यहाँ से इसको छोड़ दिया, इसको मिला दिया, ये आपकी कर्ण की परिभाषा है।
ये पॉइंट हमारा आ गया ओ। अब हमने क्या करना है, ये उल्टा खड़ा है तो सबसे पहले इसके ये प्रोजेक्शन तो आ गए, ये भी आ गए, इसका सिर हमने यहाँ दिखाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो आपका ओ पॉइंट है इसके समानांतर आपने यहाँ से 90 डिग्री पे एक रेखा लेनी है और ये एक्स वाई तक ही रेखा जाएगी, आगे नहीं जाएगी क्योंकि इसका सिर यहीं पे सिर है। तो ये आपका ओ आ गया, ये आपका ए और ये आपका बी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर ऊंची है तो हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊंची रेखा लेनी है, तो इसी के समानांतर हम लेंगे यहाँ से, ये 90 डिग्री का है तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ से ये देखिए आपकी 5 सेंटीमीटर की हाइट आ जाएगी यहाँ से और ये हमारा डॉटेड लाइन आएगी। यहाँ से भी हम इसी रेखा के साथ सेट स्क्वायर या फुट्टा लगा देंगे और 5 सेंटीमीटर हाइट पे हम इसको एक रेखा यहाँ पे खींच देंगे इस तरह से। ये हमारा आ गया, ये हमारा वर्ग बन रहा है यहाँ पे, देखिए 3 सेंटीमीटर है पूरा है, देखिए 3 सेंटीमीटर है और हमने इसको यहाँ ऊपर से भी मिला देना। यदि आपको सेट स्क्वायर अच्छे से लगाना आता है तो आपकी लाइन कभी भी जो है टेढ़ी नहीं होगी। अब ये इसका तल है, ऊपर है तो हम इस तल को डार्क लगाएंगे ऐसे, और हमने क्या करना है, इसके जो सिरे है वो ओ पे मिलाने हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से ये जो आपका पॉइंट, जैसे ये ए आ गया था तो ये हमारा आ गया ऊपर डी, ये हमारा बी आ गया था तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा सी, और हमने ओ के साथ डी को भी मिला देना है डार्क और सी को भी हम यहाँ से इसको डार्क मिला देंगे इस तरह से। और ये आपका जो है वर्ग शुंडाकार जो उल्टा था अपनी सिर पर खड़ा था, ये बन के तैयार हो गया। अगला आपका है प्रश्न नंबर 21, षटभुज शुंडाकार का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने शीर्ष पर एच पी पर खड़ा है। ये भी इसी तरह से जैसे पहले वाला था उल्टा खड़ा है और उसकी एक भुजा एक्स वाई के साथ दाईं ओर से 20 डिग्री का कोण बनाती है। भुजा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो वो पैरेलल था एक्स वाई के साथ और ये 20 डिग्री का कोण बना रहा है दाईं ओर से। तो आप दाईं ले लो बाएं ले लो, वो मैं पिछले आपको एक पेंटागोन में करवा चुका हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं। दाएं से पूछा है, हम दाएं से ही ले लेंगे। यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, सेंटर ले लेता हूँ, यहां से 20 डिग्री का मैं कोण बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे डी की सहायता लेनी पड़ेगी जो हमारा प्रोटेक्टर है, और मैं यहां से ये 20 डिग्री का एंगल बना लेता हूं। यहां से 1 सेंटीमीटर की रेखा वो मैं डॉटेड लगा लूंगा, आप कितनी भी लगा सकते हैं, आपके साथ कोई बंदिश नहीं है। और आगे मैं लाइन हल्की लगा देता हूं, वैसे इसकी 2 सेंटीमीटर की ही रेखा है तो मैं 2 ही सेंटीमीटर लगा लेता हूं लाइन, ये आपकी 2 सेंटीमीटर षटभुज की लाइन है। और मैं इसके आगे जो रेखा है वो ज़रूरी नहीं है, रखनी है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखनी है तो कोई कंपनसेशन नहीं है, आप इतनी रखिए। और इसके नाम जरूर दे दीजिए, ये ए और ये आपका आ गया एफ। अगर आपने रखनी है तो आपकी इससे हेल्प जरूर हो सकती है। वो कैसे होती है, मैंने आपको बताया था जो आपका षटभुज होता है उसका आंतरिक कोण 120 डिग्री का होता है और बाह्य कोण आपका 60 डिग्री का होता है। ये जो मेरे पास कोण है, हमारे पास सबके पास है, ये सेट स्क्वायर में है, ये जो आपका कोण है ये भी आपका 60 डिग्री का ही होता है। तो आप यहाँ से बाह्य कोण ले सकते हैं 60 डिग्री का, इससे आपका जो कार्य है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको 2 सेंटीमीटर तक काट देता हूँ, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण बना लेता हूँ, और इसको मैं 2 सेंटीमीटर तक नाप लेता हूं, एक बार फुट्टे से भी वेरीफाई कर लेते हैं।
बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ से फिर हमने अब 60 डिग्री के कोण बनाने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ सेट स्क्वायर को, और यहाँ से 60 डिग्री के लिए रेखा लगा लेता हूँ, और इसको 2 सेंटीमीटर तक काट देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस रेखा को, रेखा प्रवास तो है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी मैं 60 डिग्री का कोण बना लेता हूँ। यदि आप डी से बनाते हैं तो पहले आपको नापना पड़ेगा, फिर लाइनें लगानी पड़ेगी, यहाँ नपा नपाया है, इजी हो जाता है काम। ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको, ये देखिए बिल्कुल सही है, देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये देखो कितना इजी जल्दी से हमारा सेट्स के, ओ आपका षटभुज बन गया है सेट्स के द्वारा। फालतू की जितनी भी लाइनें हैं इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और अब मैं इनके नाम दे देता हूँ। ये आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे बी, ये आपका नाम आ जाएगा सी, और यहाँ पे नाम आपका आ जाएगा डी, और ये नाम आपका आ जाएगा ई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसके कॉर्नर जो है वो मिला देने हैं, जैसे हम ई से डी को मिला देंगे डॉटेड, और बी से हम ए को मिला देंगे। थोड़ा लंबा बन सकता है प्रश्न, लास्ट तक जरूर देखिए तभी आप सही से समझ पाएंगे इसको। और आपने सी से एफ को मिला देना है, ये जो आपका सेंटर आ रहा है इसका नाम हम दे देंगे ओ। अब आपने क्या करना है, ये उल्टा है, तो जैसे हमने पहले किया था इसके जो प्रोजेक्शन है, पहले सारे जो इसके प्रोजेक्शन हैं वो ऊपर को 90 डिग्री में ही जाएंगे। तो चलो पहले हम इसके प्रोजेक्शन ले लेते हैं, देखिए इसके प्रोजेक्शन अलग अलग जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पहले हमारा बी है और ये आपका बाहर को है, इसलिए इसका प्रोजेक्शन हमें अलग से लेना पड़ेगा अंदर से। तो हम पहले बी का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, पहले हम एक्स वाई तक ही ले लेते हैं, आप चाहो तो ऊपर तक भी ले सकते हैं पर नापना पड़ेगा। तो हम पहले बी का ले लेते हैं, फिर हमने लेना है सी का, ये हमने सी का प्रोजेक्शन ले लिया, और आप चाहो तो साथ साथ इसमें नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई चलेगा, कोई ऐसी समस्या नहीं, क्योंकि एक्चुअली उल्टा है तो यहाँ नाम देने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर ही नाम देना है। उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो, जैसे आपके पास ए पॉइंट है तो ए का हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अगला हमारा आ जाता है ओ, तो हम ओ का भी ले लेते हैं प्रोजेक्शन। फिर हमारा आता है बी, सॉरी डी है, ये आपका डी है, ये मैं आपका डी का ले लेता हूँ प्रोजेक्शन। फिर हमारा अगला जो प्रोजेक्शन आएगा वो हमारा आएगा एफ का, लास्ट में हमारा आएगा ई। देखो सबसे पहले सारे प्रोजेक्शन ऊपर जाएंगे, क्योंकि उल्टा है तो जो इसकी हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर ऊपर लाइन लगा लेता हूँ। ये देखिए ये आपका ये 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले 90 डिग्री पे मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब मैं लास्ट वाले का फिर लूँगा सीधा ही, ताकि ऊपर मैं एक लाइन लगा सकूँ, और बाकी प्रोजेक्शन फिर मैं वहाँ तक खींच लूँगा इस तरह से। अब ये 4 सेंटीमीटर है और मैं इसको यहाँ पे ऊपर मिला देता हूँ इस तरह से। अब सारे जो मेरे प्रोजेक्शन है वो ऊपर ही जाने हैं, तो यहाँ से नाप के मैं बिल्कुल सही तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक पेंसिल यूज कर रहा हूँ, मेरी पेंसिल थोड़ी का खत थोड़ा मोटा हो गया था, ये पतली रहती है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हमारा जो है वो ए का प्रोजेक्शन है, अगला ओ का है, और ये मेन प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसी पे ही हमने, इसी पॉइंट पे हमने सारी रेखाओं को लाना है नीचे, केंद्र बिंदु यही हमारा रहेगा, ओ पॉइंट है।
आपने इसको आराम से देखना है, मुश्किल नहीं है, दिखता मुश्किल है, होता कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसको बनाने वाले भी हमारे ही तरह हाड़ मांस के इंसान है, तो बच्चों आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये देखिए बड़े आराम से ये हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये इसके सारे प्रोजेक्शन हमारे ऊपर चले गए। अब आप ऊपर नाम जरूर दे सकते हैं इसके, जैसे ये आपका बी है, ये बी है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका डी है, ये आपका एफ है, ये आपका ई पॉइंट लास्ट में। अब आप इसमें देखिए तो ये आपका ओ पॉइंट है। अब ओ पॉइंट पे आपकी डॉटेड लाइन कौन सी आनी है और डार्क लाइन कौन सी आनी है ये डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए ये आपका बाहर है, ये भी आपका बाहर पॉइंट है, आपको दिख रहा है ये पॉइंट आपके बाहर है। अब इसके अंदर कौन सा पॉइंट है, ये बाहर से जा रहा है। देखो एक तो ये पॉइंट हमारा अंदर है, इस लाइन से अंदर है, ये अंदर है बट ये बाहर से, इसलिए ये डॉटेड नहीं आएगा, डार्क आएगा। ये इस लाइन का नीचे कोई अस्तित्व नहीं है, ऊपर ही है, तो ये डॉटेड रहेगा। और आपका ए पॉइंट, ये जो आपका पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ये आपका डॉटेड रहेगा। दो लाइनें हमने डॉटेड लगानी है, तो सबसे पहले हम इन्हीं रेखाओं को लगा लेते हैं। एक तो आपका है ए, पेंसिल से लगा लेता हूं, शायद आपको दिखे ना इसमें। ये एक आपका है एफ, एफ भी आपका डॉटेड लाइन में आएगा ओ पर। बाकी आपकी जो सारी लाइनें हैं वो डार्क आएगी। जैसे आपका सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां से बी, बी आ गया, साथ में हम ले लेते हैं सी, और इधर से हम ले लेते हैं ये आपका है डी, डी आ गया, इधर से हम लेते हैं ई। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपका षटभुजाकार जो है वो बनके तैयार हो गया है। आप वीडियो को चाहे पॉज कर दीजिए, एक दो बार दोबारा से चलाइए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, आराम से हल करिए और ये आपका 21 नंबर प्रश्न बनके तैयार हो गया है। अगली वीडियो में दो प्रश्न आपके रहते हैं आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के, वो मैं क्लियर कर दूंगा, और अगली वीडियो के बाद आपको मैं फिर स्केल ड्राइंग करवाऊँगा।